Morning dear students, in the class with the class of 10th class English medium UP board by the subject of chemistry. Okay, the topic of today for the learning of us in this class plaster of Paris. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, इसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा. ओके, एंड केमिकल फॉर्मूला आएगा. इट इज़ ए वाइट पाउडरी स्लाइटली हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, थोड़ा सा हाइड्रोजन होता है इसमें, CaSO4 into half H2O, made of calcining जिप्सम. ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री केल्विन नहीं होता इसमें केल्विन, जिप्सम लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 into half H2O. It is called plaster of Paris. ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. 2 CaSO4 into 2 H2O जो कि जिप्सम है, इसको हमने 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया तो हमारे पास बना CaSO4 into half H2O, ये बना जिप्सम प्लस 3 H2O. इन दीज टू फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है. डॉक्टर यूजेज ऑफ जिप्सम है ना, डॉक्टर्स यूज दिस एज प्लास्टर फॉर सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस. इन दीज डॉक्टर्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन ऑन मिक्सिंग विद वाटर इन चेंज टू जिप्सम. डॉक्टर जो है इसका प्रयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट देने के लिए इसमें पानी मिला करके करते हैं. पानी मिलने के बाद वाटर की रिएक्शन से ये पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है जो कि एक स्टोन लाइक हार्ड मटेरियल होता है. ठीक है, CaSO4 into half H2O plus 1 and 1/2 H2O is equal to CaSO4 into 2H2O which is gypsum. Plaster of Paris is used for making toy. किस चीज़ में यूज़ होता है इसका, टॉय फॉर्मेशन में, खिलौनों के बनाने में, materials for decoration, सजावटी सामान को बनाने में, and for making surface smooth, और किसी सब्सटेंस की सरफेस को चिकना बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द रिमाइंडिंग दिस टॉपिक. द टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. इट इज़ ए वाइट पाउडरी स्लाइटली हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O मेड बाई कैल्सिनिंग जिप्सम. ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन टेम्परेचर जिप्सम लॉसेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O. This is the chemical formula of a plaster of Paris. This is called a plaster of Paris. This reaction is the show the formation of plaster of Paris. 2 CaSO4 into 2 H2O is equal to 2 CaSO4 into half H2O plus 3 H2O. ठीक है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया. ये जिप्सम है, 2H2O होगा तो जिप्सम होगा, हाफ H2O होगा तो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा. इन दिस टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. डॉक्टर्स यूज दिस एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन ऑन मिक्सिंग विद वाटर इन इट चेंज टू जिप्सम. डॉक्टर इसका प्रयोग जो है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह जोड़ने के लिए करते हैं और इसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है वाटर मिला देते हैं. वाटर से रिएक्शन करने के बाद जो है ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है जो कि स्टोन लाइक सब्सटेंस होता है, हार्ड होता है और हड्डियों को जो है सही पोजीशन पर रोकने की कैपेसिटी करता है. इसमें एक टेंडेंसी ये होती है जब इसमें हम वाटर मिलाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच एक रिएक्शन होती है जिसमें थोड़ी सी हीट निकलती है जो कि फ्रैक्चर्ड पोर्शन के लिए जो है सिकाई का काम करती है और ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा श्रिंक होता चला जाता है जिसके कारण क्या होता है, ये खुद ही कस जाता है अपनी सही पोजीशन पर. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज. इसका प्रयोग किस चीज़ में होता है, टॉयज फॉर्मेशन में होता है, मटेरियल फॉर डेकोरेशन,
डेकोरेशन का मटेरियल बनाने में होता है एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और किसी दीवार वगैरह की या लिंटर की सरफेस को स्मूथ चिकना बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।